आज की इस एक्सेल ट्रिक में हम बात करेंगे कि एक्सेल में रैंडम टेक्स्ट किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। हमारा फाइनल रिजल्ट होगा शीट वन में जो ये डेटा है, ये वाला, उसको हम जनरेट करेंगे यहाँ से। और मैं उसका आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो डेटा जनरेट किया है ये मैंने अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए जनरेट किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे सॉर्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो बिना समय गवाए एक बार हम अपने शीट पिक के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिया है, ये मैंने नेट से कॉपी किया था, एक लिस्ट थी एम्प्लॉय नेम्स की। और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट में ब्लैंक छोड़ा है, मंथ में ब्लैंक छोड़ा है और सैलरी में ब्लैंक छोड़ा है। मैं चाहता हूँ ये एम्प्लॉय नेम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जैसे आप देख सकते हैं ए के उसके बाद डी उसके बाद एच, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना होके रैंडम सीक्वेंस में आ जाए, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है रैंडम फंक्शन। तो इक्वल्स टू आप लिखेंगे उसकी नेक्स्ट वाली कॉलम में, अब लिखेंगे यहाँ पे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो दो चीज़ पूछता है आपसे, पहले पूछता है कि बॉटम यानी कि बॉटम नंबर कौन सा है, और टॉप टॉप यानी कि आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा लेना चाहते हैं जिसके बीच में आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है। जैसे 1 to 20 मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक रैंडम नंबर जनरेट हो, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एंटर करूँगा तो वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने रैंडम नंबर जनरेट किया, रैंडम टेक्स्ट कैसे जनरेट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। सबसे पहले इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को सारी सेल्स में। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर रहा हूँ। अब हमारे पास नेम है और उसके आगे एक रैंडम नंबर है। फिलहाल ये ऊपर वाली हेडिंग्स हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम रैंडम नंबर, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके, अभी हम ये कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो नाम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये रैंडम ऑर्डर में जनरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो रैंडम नंबर है जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसमें ये करेंगे कि सबसे पहले इस पूरी डेटा टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फिल्टर में, उसके बाद क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पे। अब कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सॉर्ट बाय, जहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय आ रहा है वहाँ पे लिखना है रैंडम नंबर। यहाँ पे आप ऑर्डर देख सकते हैं, हमने ऑर्डर लिया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब जैसे ही ओके करेंगे तो वो रैंडम नंबर यानी कि रैंडम सीक्वेंस में एम्प्लॉय का नाम जो है वो आ जाएगा। प्रूफ के लिए आप ये देख भी सकते हैं कि एक अर्जुन जो है नाम का एम्प्लॉय आपको फर्स्ट नंबर में नज़र आ रहा है, एक आनंद नाम की एम्प्लॉय आपको 19th यहाँ नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम रैंडम नंबर फंक्शन को यूज़ करके रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जो हमें क्रिएट करना है। हम दोबारा करेंगे, अब मुझे चाहिए इनका डिपार्टमेंट भी लेना है, उनकी सैलरी भी लेनी है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में मैं चाहता हूँ कि जैसे एक तो हो गया हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग, एक हो गया हमारा स्टोर और एक हो गया हमारा रिसेप्शन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कॉपी कर लिया तो ये हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रैंडमली एलोकेट करूँ, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लोवेस्ट नंबर लूँगा, बॉटम नंबर, दूसरा मैं लूँगा जैसे 10 ले लेते हैं हम 10, उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जैसे करेंगे वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है 1 से 10 के बीच में। अब इसको कॉपी करेंगे और सारी की सारी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। अब फिर से इस डेटा को कॉपी करेंगे और करेंगे ऑल्ट कंट्रोल वी पेस्ट एज वैल्यूज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डेटा है फाइनेंस मार्केटिंग स्टोर रिसेप्शन, फाइनेंस मार्केटिंग स्टोर रिसेप्शन, तो ये एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये रैंडम नंबर में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो सबसे पहले आपको जो रैंडम डेटा चाहिए उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहली सेल में हमारा डेटा है, दूसरी सेल में हमारे रैंडम नंबर्स हैं। उसके बाद आपको जाना है फिल्टर में, उसके बाद क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट पे और आपको फिल्टर करना है क्योंकि मंथ वाले कॉलम में हमारा रैंडम डेटा है। तो
मंथ वाले में हम करेंगे। अब यहाँ पे पिछली बार हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया था, इस बार ऐसा करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये जो डेटा है आपका रैंडम सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसा कैसा आप इस मंथ में भी कर सकते हैं, जनवरी फरवरी फरवरी मार्च, इसको आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल फिल हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पर रैंडम नंबर का ऑप्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, हम लेते हैं बॉटम वैल्यू कितनी 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से 10 के बीच में हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इसको फिर से कॉपी करके और ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्टेज वैल्यूज करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है आपको कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद आपको सैलरी पे क्लिक करना है, सैलरी में जैसे आप जो लेना चाहें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जैसे ओके करेंगे तो वो डेटा जो है रैंडमली एलोकेट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने अपना ये डेटा बनाया था जिसको मैं अपने अगले एक्सेल ट्रिक में यूज़ करूँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा एक से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे सॉर्टिंग कैसे की जा सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। अगर आपको कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा।